दोस्त सूर्य कुमार यादव की आंधी, जसप्रीत बुमराह का कहर, अफगानिस्तान को रोद के सुपर 8 में भारत के सुपर हिट अंगार। दोस्तों रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में धमाकेदार जीत के साथ आगाज किया है। दोस्तों वेस्टइंडीज के खेले जा रहे सुपर 8 में गुरुवार को 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला हुआ दोस्तों, जिसे भारतीय टीम ने 47 रनों से जीत लिया। दोस्तों सुपर 8 राउंड में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला था। दोस्तों अब भारतीय टीम को अपना अगला मुकाबला 22 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। दोस्तों इस वीडियो में इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट दिखाएंगे, तो अंत तक बने रहे। लेकिन दोस्तों अगर आप यह मैच पूरा देखें और सूर्य कुमार यादव का अच्छी बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह का अच्छी गेंदबाजी का मुकाबला देखें, तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की पारी शुरू हो चुकी थी और कप्तान रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली क्रीज पर उतरे थे। दोस्तों फजल फारूकी ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर अफगानिस्तान को पहली सफलता दिलाई थी। दोस्तों रोहित शर्मा 13 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए थे। दोस्तों इसी के साथ भारतीय ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में नाकाम रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा के सस्ते में आउट होने के बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत ने भारतीय पारी को संभाला था और दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी पारी खेली। दोस्तों पावर प्ले में टीम को कोई और झटका लगने नहीं दिया था। दोस्तों भारत ने 6 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट पर 47 रन बना लिए थे। दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने विकेट गंवा बैठे और कोहली के साथ उनकी अच्छी साझेदारी का अंत हुआ था। दोस्तों कप्तान राशिद खान ने पंत को LBW आउट किया और भारत को दूसरा झटका दिया था। दोस्तों पंत 11 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए थे। दोस्तों भारत के खिलाफ पिछले 3 T20 में राशिद का यह पहला विकेट था। दोस्तों स्पिनर राशिद खान ने भारत को बड़ा झटका देते हुए सेट हो चुके विराट कोहली को पवन भेजा था। दोस्तों कोहली अच्छे लय में दिख रहे थे, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे थे। दोस्तों विराट कोहली 24 गेंदों में 24 रन बनाकर तीसरे बल्लेबाज के तौर पर आउट हुए थे। दोस्तों अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने शिवम दुबे को आउट कर भारत को चौथा झटका दिया था। दोस्तों शिवम राशिद की गेंद पर LBW आउट हुए। दोस्तों शिवम ने 7 गेंदों में 10 रन बनाकर पवन लौट चुके थे। दोस्तों फिलहाल क्रीज पर सूर्य कुमार यादव मौजूद थे और उनका साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या आए थे। दोस्तों लगातार झटकों के बाद सूर्य कुमार यादव ने भारतीय पारी को संभाला और कुछ अच्छे शॉट खेले, अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाया। दोस्तों दूसरे छोर से सूर्य कुमार का साथ देने हार्दिक पांड्या मौजूद थे। दोस्तों 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 4 विकेट पर 115 रन बना लिए थे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने संतार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया और यह उनके करियर का 1950वां था। दोस्तों उनकी पारी के दम पर ही भारत 150 रन का स्कोर पार करने में सफल रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि फजल फारूकी ने संदार लय में दिख रहे सूर्य कुमार यादव को आउट कर भारत को पांचवा झटका दिया था। दोस्तों सूर्य कुमार यादव अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। दोस्तों उन्होंने अपने करियर का 19वां अर्धशतक लगाया दोस्तों, लेकिन फजल ने उनकी पारी का अंत कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि नवीन उलहक ने हार्दिक पांड्या को आउट कर भारत को छठवां झटका दिया था। दोस्तों सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर संदार साझेदारी निभाने वाले हार्दिक पांड्या 24 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुए थे। दोस्तों अब क्रीज पर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल मौजूद थे। दोस्तों आपको बता दें कि फजल फारूकी ने संदार गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा को आउट कर भारत को 7वां झटका दिया था। दोस्तों जडेजा 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर फारूकी ने इस मैच का अपना तीसरा विकेट लिया। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव के संदार अर्धशतक और हार्दिक पांड्या के साथ उनकी साझेदारी के दम पर भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर 8 चरण के मुकाबले में 20 ओवर में 8 विकेट पर 181 रन बनाए। दोस्तों अफगानिस्तान के लिए फजल फारूकी और कप्तान राशिद खान ने 3-3 विकेट लिए और भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में रखा था। दोस्तों हालांकि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने 5वें विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी कर टीम को मुसीबत से निकाला था। दोस्तों सूर्य कुमार यादव 28 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 3 पर रन बनाकर आउट हुए थे और उनके अलावा भारतीय उप कप्तान हार्दिक ने 24 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों के सहारे 32 रन बनाए। दोस्तों अंत में अक्षर पटेल ने कुछ अच्छे शॉट खेले, जिसकी मदद से भारत 180 रनों का आंकड़ा पार करने में सफल रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट कर अफगानिस्तान को पहला झटका दिया था। दोस्तों गुरबाज 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए थे। दोस्तों गुरबाज ने अजरतुल्लाह जजई के साथ टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी और पहले ओवर में 13 रन बनाए, लेकिन बुमराह ने इस साझेदारी को तोड़ने में देर नहीं लगाई थी। दोस्तों आपको बता दें कि अक्षर पटेल ने इब्राहिम जादरान को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। दोस्तों जादरान 11 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए थे। दोस्तों तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने संतर गेंदबाजी करते हुए अजरतुल्लाह जजई को आउट कर अफगानिस्तान को तीसरा झटका दिया था। दोस्तों जजई 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए थे और लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम 23 रन पर 3 विकेट गंवा बैठी। दोस्तों आपको बता दें कि शुरुआती झटकों के बाद अजमतुल्ला उमरजई और गुलबद्दीन नईब ने अफगानिस्तान की पारी को संभाला था। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों की अच्छी पारी की मदद से अफगानिस्तान ने 9 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट पर 57 रन बना लिए थे।
दोस्तों कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान को चौथा झटका दिया था। दोस्तों कुलदीप ने गुलबंदी नईम को आउट कर उनकी उमरजई के साथ हो रही साझेदारी को तोड़ा था। दोस्तों इस विश्व कप में पहली बार कुलदीप को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और उन्होंने प्रभाव छोड़ने में देर नहीं लगाई थी। दोस्तों आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा ने अजमतुल्ला को आउट कर अफगानिस्तान को पांचवा झटका दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 73 रन पर 5 विकेट गंवा बैठे। दोस्तों तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को झटका दिया। दोस्तों बुमराह ने नजमुल्ला जादरान को आउट कर भारत को छठी सफलता दिलाई। दोस्तों जादरान 17 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए थे। दोस्तों आपको बता दें कि कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने भारत को सातवीं सफलता दिलाते हुए मैच में टीम की पकड़ बनाई। दोस्तों अफगानिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद नबी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों नबी 14 गेंदों में 14 बनाकर पवन लुट चुके थे। दोस्तों कुलदीप का इस मैच का यह दूसरा विकेट था। दोस्तों आपको बता दें कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने T20 विश्व कप में अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज की है। दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान को 47 रनों से हराया और सुपर 8 चरण के ग्रुप एक मैच में जीत दर्ज की है। दोस्तों इस चरण में यह भारत का पहला मुकाबला था और टीम ने विजयी शुरुआत की। दोस्तों भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में 8 विकेट पर 181 रन बनाए और जवाब में बुमराह और अर्शदीप सिंह ने 3-3 विकेट छटके, जिसके दम पर भारत ने 20 ओवर में अफगानिस्तान को 134 रनों पर ढेर किया।